नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब चलते खबरों की दुनिया में। विनोद बिहारी महतो के परिवार में खूनी संघर्ष, पौत्र वधू विनीता सिंह अपौत्र गंभीर रूप से घायल, परिवार में चल रहा है संपत्ति विवाद। धनबाद झारखंड के बड़े नेता रहे अलग, झारखंड राज्य आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो के परिवार में संपत्ति विवाद खूनी संघर्ष का रूप ले चुका है। शनिवार 29 जनवरी की सुबह परिवार भिड़ गया था, जिसमें जमकर मारपीट हुई। घर के शीशे दरवाजे वाहन में तोड़फोड़ हुई, इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। संघर्ष में विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो की पुत्र वधू विनीता सिंह और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल अवस्था में धनबाद सदर थाने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। विनीता सिंह ने विनोद बिहारी महतो के भाई की बहू सोमा देवी पर बलियापुर से लोगों को बुलाकर मारपीट करवाने का आरोप लगाया है। वहीं सोमा देवी का कहना है कि यह पहले से विवाद रहा है और मामला न्यायालय में है, तो वे लोग मारपीट क्यों करेंगे। संपत्ति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस परिवार में संपत्ति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर राजकिशोर महतो की पुत्र वधू विनीता सिंह है, तो दूसरी ओर विनोद बिहारी महतो के भाई की बहू सीमा महतो है। कुछ दिन पहले ही सोमा महतो ने धनबाद थाना में लिखी शिकायत देकर विनीता सिंह द्वारा पानी का कनेक्शन और शौचालय बंद करने का आवेदन दिया था। आवेदन के बाद सदर थानेदार ने मौके पर पहुंचकर पानी का कनेक्शन जुड़वाया और उनको घर में प्रवेश करवाया था। विनीता सिंह का कहना है कि कोई संपत्ति विवाद नहीं है, पहले ही बंटवारा हो चुका है, ये लोग उनकी संपत्ति पर दावा करते हैं। देखिए हम लोग के साथ क्या किया, देखिए पूरा बलियापुर से उठ के आके बोलता है घर हम लोग का घसीट घसीट के मारा है, हम लोग का पूरा खूना खून कर दिया। हम लोग किसी तरह से अपना जान बचा के पूरा घर हम लोग का फोड़ रहा है। प्लीज तारा सब का और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।